ओम नमो कृष्ण गुरु देवाय। हम सब जाति नहीं, बिरादरी नहीं, गोष्ठी नहीं, जड़ नहीं, हम सब मात्र कृष्ण दास आत्मा है। इस अनमोल वचन के रचयिता कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर का आविर्भाव सन 1934 में जेठ मास की शुक्ल अष्टमी को पिता रविदेव और माता माया देवी के घर अज्ञात गांव नसत्र में हुआ था। जन्म से ही गुरुदेव ने विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपने परिवार और ग्रामीणों को अपनी दिव्य शक्ति का दर्शन कराया। कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना का भी एक इतिहास है। 16वीं सदी में एक दैविक घटनाक्रम के तहत महापुरुष शंकरदेव के शिष्य मनोहर देव ने सुवर्णकुर के किनारे नसत्र धाम की स्थापना की थी। कृष्ण गुरु ईश्वर की साधना का मुख्य स्थान बना यही सुवर्णकुर। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद गुरुदेव ने 1974 में रास पूर्णिमा के पवित्र दिन कृष्ण गुरु सेवाश्रम के नाम से इस तीर्थ स्थल की पुनः स्थापना की और आध्यात्मिकता, एकता और सद्भाव की नींव रखी। गुरुदेव ने असम के साथ ही विभिन्न राज्यों और विदेश के लाखों भक्तों को कृष्ण गुरु नाम की महिमा से अवगत कराया और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। गुरुदेव ने सनातन धर्म के मार्गदर्शन से सच्चे मानव निर्माण के मार्ग को सुदृढ़ किया। गुरुदेव का महान उद्देश्य एकता, समानता, मित्रता, धैर्य, ज्ञान और करुणा के माध्यम से विश्व शांति स्थापित करना है। कृष्ण गुरु सेवाश्रम सिर्फ 3 कट्ठा भूमि पर शुरू हुआ, जो लोक कल्याण के कार्य करते हुए आज 300 बीघे के क्षेत्र में विस्तारित हो गया है। ये सेवाश्रम अब लाखों भक्तों के योगदान से एक विश्व प्रसिद्ध संस्था बन चुकी है, जो समाज में ज्ञान और आध्यात्म का प्रकाश फैला रही है। कृष्ण गुरु सेवाश्रम में अलका गंगा तालाब, विशाल कीर्तन घर, चरण चिन्ह मठ, कृष्ण धाम, शरण घर, अनंत शैया मठ, अक्षय दीपक और गुरु आसन आदि सम्मिलित हैं। 1974 में विश्व शांति के लिए 7 दिन कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन की शुरुआत की गई और 1988 में 1 महीना एक नाम कीर्तन का शुभारंभ किया गया। अब हर साल 7 दिन और हर 12 वर्षों में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश से अनगिनत श्रद्धालु और भक्त समर्पण और सेवा की भावना से कीर्तन में शामिल होते हैं। कृष्ण गुरु ईश्वर ने स्कूली शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझा और सामान्य शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया। उन्होंने 1992 में कृष्ण गुरु कॉलेज, 1994 में कृष्ण गुरु विद्या ज्योति विद्यालय और 2009 में कृष्ण गुरु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्राचीन गुरुकुल के मॉडल पर की। बच्चों और माता पिता के बीच संबंध को आदर्श बनाने के लिए महाप्रभु कृष्ण गुरु ने हर साल 25 अक्टूबर को आदि गुरु सेवा दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया। कला, विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रम के साथ ही साथ कौशल विकास, अनुसंधान और व्यावहारिक शिक्षा को मिलाकर कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कृष्ण गुरु ईश्वर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को संयमी और दीर्घायु बनाता है। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को एकात्म बोध कराता है। एकात्म बोध ही जगत में शांति का मूल मंत्र है, इसलिए शिक्षण संस्थानों में आध्यात्म की शिक्षा अनिवार्य है। कृष्ण गुरु ईश्वर के महाप्रयाण के पश्चात सारी जिम्मेदारी उनके योग्य पुत्र गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु को सौंप दी गई। गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु ने अपने पिता के दिए दायित्व को भली भांति संभाला। गुरु ईश्वर ने कहा है कि ईश्वर साधना और जनकल्याण के कार्य समानांतर रूप से होने चाहिए, तभी ईश्वर साधना फलदायी होगी। देश विदेश से अनगिनत लोग शांति की खोज में, मनोकामना पूर्ति की आस में आध्यात्म के प्रणेता कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आते हैं। कृष्ण गुरु सेवाश्रम लाखों भक्तों की सेवा और आस्था का स्थान, भक्ति और शैक्षिक आंदोलन का ध्वजवाहक बन गया है। इस पवित्र स्थान से भक्त अपने हृदय में गुरुवाणी ले जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब पूरा देश अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व के पंच प्राण के साथ आजादी के अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर का विराट संदेश
हम सभी को निरंतर ऊर्जा देता है। कृष्ण गुरु के कार्य और विचार हमें प्रेरक प्रकाश पुंज की तरह दिशा दिखाते हैं, जिनमें सबके कल्याण और उत्थान का भाव समाहित है। जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु।